खुलुमबाय आंनि मुङा बारसारिनि बसुमतारि वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर थामनेल खौ नुनानै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि टपिका मा जागोन बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो सिगां आं मोनसे पॉइंट क्लियर खालामनो नाजादों बेयाव माने आं मोनसे गोरोन्थि मावदोंमोन जायनि थाखाय आंनि मेशिना बिराद लेथ्रा जाबाय सो आं सानो नोंथांमोनजों बे खोथाखौ शेयर खालामनि जाहाथे बे गोरोन्थिखौ नोंथांमोना मावा तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा थंबनेल को देख के लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ मतलब मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग वो रिपीट ना करें तो पहली गलती जो मैंने की थी वो है जब मेरा मशीन इंस्टॉल हुआ था तब मैंने हाउ टू यूज़ बस यही सीखा और हाउ टू मेंटेन ये पूछना मैं भूल गई जल्दबाजी में दूसरी गलती जो कि मतलब मेरा जो मशीन है वो अभी अगस्त में 4 साल का हो जाएगा मतलब 4 साल पुराना हो जाएगा लेकिन ये जो वीडियो है वो एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो है जनवरी मंथ का तो जैसे जनवरी मंथ से पहले मैंने मशीन खाली मैं यूज़ करती थी और हमेशा उसका जो दरवाज़ा है मतलब फ्रंट लोड है ना तो फ्रंट डोर में हमेशा बंद यूज़ करती थी और बंद करके रख देती थी कभी भी अंदर से इसको कैसे साफ़ करते हैं इस बात पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया थर्ड गलती जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो है मशीन में एक बेबी केयर मोड है जिसमें आप जिसमें मशीन मतलब गर्म पानी से कपड़े को धोता है तो मैंने ये मोड कभी ट्राई नहीं किया था 3 सालों में लेकिन मैंने सोचा इस बार एक बार ट्राई कर लूँ ये मोड तो उसमें ऑलमोस्ट जो है ना 2 घंटे से ज़्यादा लगता है और पूरा मशीन मतलब गर्म पानी से वो कपड़े को धोता है तो मैंने बस यूज़ कर लिया धो लिया फिर जब मैंने कपड़े सुखाने के लिए मशीन खोला था तो मैंने देखा एक थोड़ा सा रबर जैसे गर्म पानी में अगर आप रबर को डाल के रखोगे बॉयल करोगे तो एक अजीब सा स्मेल आता है ना तो वैसा एक स्मेल आया था लेकिन मैंने वो बात नज़रअंदाज कर दी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पर तो मैंने कपड़ा निकाला कपड़ा सुखा दिया फिर सेम दरवाज़ा बंद करके मैं नेक्स्ट डे चली गई अपने मम्मी के घर गुवाहाटी फॉर 15 डेज क्योंकि विंटर ब्रेक था फिर जब मैं वहाँ से आई वापस आने के बाद मैंने जब खोला यूज़ करने के लिए मशीन तो पूरा उसमें रबर में फंगस लग चुका था बहुत ही बुरा हालत था मेरी मशीन का जो पहले कभी नहीं हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया इतने सालों में मैंने यूज़ किया ऐसे ही मैं यूज़ करती थी बंद करते रखती थी इतना कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन जैसे ही मैंने वो बेबी केयर मोड यूज़ किया उसके बाद मैंने देखा कि उसमें एक्चुअली मॉइस्चर था मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया अगर मैं तभी उसको अच्छे से ड्राई करके रखती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन मैंने क्या किया उस बात पे ध्यान नहीं दिए कि दरवाज़ा बंद करके मैं चली गई अपने मम्मी के घर वेकेशन पे फिर वापस आके देखा तो पूरा बुरा हालत था तो मैंने मशीन को कैसे साफ़ किया वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ये सब गलतियाँ आप लोग ना करें हो सकता है आप लोग को मालूम था लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम था तो सोचा मेरे जैसे और भी कई होंगे जिनको ये सारी बातें मालूम नहीं है तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो काइंडली लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आशा करती हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे थैंक यू नायदे आंनि मेशिना जि अबस्था जाना दङ ओमफ्राय सिंथिंसो एक्चुअल लेथ्राया दा सा साथ' एसे लेथ्रा नुदोंआनो किन्तु बे रबारखौ जेब्ला बोखारगोन बेनि सिङावनो पुरा मैलाया जमा जाना दङ एसे लाजिबो मोनदों आं देखायनो थाखाय थेवबो आं देखायनोसै नोंथांमोननो जेरै आं मिथियामोन नोंथांमोननाबो मिथिया जानो हागौ त' लेथ्रायासलि एकदम बे सिङावसो थायो राबारनि सिङाव तो फ्रेंड्स मेरा जो वॉशिंग मशीन का हालत है आप लोग के सामने है एकदम गंदा होके रखा है और असली गंदगी जो है ये रबर के नीचे देखिए कितना काला होके रखा है थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है मुझे आप लोग को दिखाने में लेकिन दिखा दिया क्या पता आप लोग को भी शायद नहीं मालूम हो जैसे मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने दिखाया तो अभी मैं इसे साफ़ करूँगी विनेगर और बेकिंग सोडा से तो कोई भी विनेगर ले सकते हैं आप लोग मार्केट में कोई भी बहुत सारे विनेगर अवेलेबल है तो लोगोफोर बाजाराव जि मोनो विनेगर बिदि मोनसे लाबोनो जाबाय ओमफ्राय बेकिं सोडाजों आं दा बेखौ साफा खालामसै तो फ्रेंड्स ये है डिटर्जेंट का स्लॉट जो पहले मैं इसे निकाल के रखती हूँ फिर इसे पहले साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा सा हल्का प्रेस कर देने से ही निकल जाता है आप लोग को मालूम ही होगा तो फर्स्ट बेखौ साफा खालामनानैसै लोगोफोर तो इसे प्रेस खालामना होबानो बे ओंखारलाङो सो दा मोनसे मोनसे बेखौ बोखारनानै बेखौ बेकिं सोडा आरो इसे विनेगार होनानै बेखौ साफा खालामना लाग्रोनोसै तो पहले पानी से हम इसको ऐसे ही थोड़ा धो लेते हैं तो लोगोफोर फार्स्टाव जोङो दैजोंनो इसे सुना लानोसै इसे ब्रासबो खालामना होनोसै बेनि उनाव बेयाव जोङो बेकिं सोडाखौ
सोडा को इनफ्राय इसे विनेगर लुना दनसे नै आं आखायाव लाबाय बेकिंग सोडा फ्रेदा बेनि सायासा इसे सारना हनसे इनफ्राय दोस इसे विनेगर हनानै बेखौ दोसे दोनथगोन तो मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा पूरा ले लिया है और उसके ऊपर छिड़क दिया है ऊपर से थोड़ा सा विनेगर भी इसके ऊपर दे दिया है तो अभी हम थोड़ा देर इसको ऐसे ही रख देंगे इनफ्राय लोगोफोर दा आं जी इदि फिसा मोनसे जि लाबाय इनफ्राय बेखौ आं दैयाव सोमना लाबाय इनफ्राय दा गोजौ गोजौ ओरैनो दै माने खालि दैजोंनो साफा खालामदों हुगाना लानोसै फार्स्टआव तो फ्रेंड्स मैंने पहले अभी ऐसे ही कपड़ा छोटा सा एक कपड़ा लिया है ऊपर से उसको मैंने पानी में सिर्फ सादा पानी में भिगो लिया है उसके बाद ऐसे एक बार पूरा पाइप जो रबर पोर्शन है सारा उसको वाइप कर दिया है अच्छे से और एक बार उसको निचोड़ के दोबारा पानी में निचोड़ने के बाद फिर से एक बार ऊपर ऊपर से इसको साफ कर देते हैं ओमफ्राय दा बे सिङाव थानाय पर्सनखौ लेथ्राफोरखौ साफा खालामसै एक केजिजोंनो ओमफ्राय दैजोंनो साफा खालामदों नायसाय एसे लेथ्रा ओंखारदों माने मेइन लेथ्राया बे सिङावनो थायो बेखौ जों नुवा एक्चुलि बे राबर थानायखाय आं बेखौ मिथिसाराखैमोन तो पहले हम वो नीचे का जो पोर्शन है उसको पानी से ही सेम कपड़े से ही हम इसको निकाल लेंगे साफ कर लेंगे तो असली गंदगी तो इसके नीचे ही था मुझे पता नहीं था पहले इनफ्राय आं दा आखायाव इसे बेकिंग सोडा लाबाय इनफ्राय बेखौ पुरा राबाराव जेर' जेर' लेथ्रा दङ सब सारजोबनोसै इनफ्राय बेनि सा सा आरो इसे बेकिं सरि भिनेगारखौबो इसे सारनो हागोन ओमफ्राय बासजों होनो हागोन नै इसे ढाकनाव लानोसै लानानै बेकिं सोडानि सा सा बेखौ सारना होनानै ब्रासजों होनानै दसे दोनथ'गोन तो मैंने अभी थोड़ा सा बेकिंग सोडा हाथ में लेके छिड़क दिया है सारा रबर के एरिया में और थोड़ा सा उसके साथ ही विनेगर भी मैंने इसके ऊपर से ब्रश लेके मैंने थोड़ा इसको स्प्रेड कर दिया है और अभी इसको थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ देंगे दा जोङो बे दै तारमाने जेथिं हाबो पाइपा बेखौ साफा खालामना लानोसै फार्स्टआव बेखौ खुलिना लानोसै तो अभि हम जिस पाइप से वाटर कनेक्ट होता है मतलब जिस पास होता है सॉरी मशीन में उसको हम लोग पहले खोल लेते हैं क्योंकि इसे भी हमें साफ़ करना ज़रूरी है तो एक नॉट जैसा है इसको ये जो है फिल्टर होता है शायद इससे पानी तो इसे हमें खोलना पड़ेगा थोड़ा टाइट होके रखा है बेखौ तारमाने जों खुलिनोसै इसे बेथिं तारमाने दैया फिल्टर जानानै थाङो ओमफ्राय इसे गोरा जाना दं तारमाने बुस्तुआ नै खुलनो हाबाय ओमफ्राय नायदो एफा लेथ्रा जाना दंमोन देखि कित्ता गन्दा होके रखा है ये तो अभी इसको थोड़ा पानी से धो लेते हैं दैजोंनो बेखौ इसे ब्रास होनानै सुना लानोसै ओमफ्राय बे दा साफा जाबाय सो बेखौ जोङो लागायफिनसै उनथिं ये साफ हो गया तो अभी हम इसको फिर से फिक्स कर देते हैं ओमफ्राय बिदि सामुस मोनसे लानानै बे सिंनि मोनसे पर्सन दङ बेखौ खुलिना लाबाय खुलिनानै बेनि सिङाव तारमाने मोनसे पाइप थायो बेयावबो दै जमा जाना थायो ओमफ्राय सम सम बेखौ खुलिनानै बे नट मोनसे दङ बेखौ खुलिनानै बेनि दैफोरखौ जों बहनना होनांगौ तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक पाइप है ऐसे ब्लैक कलर का तो यहाँ पे भी पानी जमा होता है एक्चुअली तो हमें बीच बीच में इसको खोल के इसके अंदर का पानी को हमें निकाल देना चाहिए नहीं साइडों पर मुझे आरो मुझे नट दंग खुली बताए बहनना हान हागो ओमफ्राय जो गेजे गेजे साफा खालामनांगौ बियो बहुत मैला जाना थायो तो ये जो नट है इसको भी हमें बीच बीच में खोल के इसे भी साफ करना चाहिए हमें फिर दा जो बे नट को बंद खालामफिनसै तो फिर हमें इसको अच्छी तरह से इसको टाइट करके बंद कर देना है और साइड में जो पाइप का भी नॉट है उसको भी लगा के एक साथ आराम से अच्छी तरह से इसको बंद करके हमें छोड़ देना है तो भी पाइप नहीं भी बे किसम नॉट को मजांगे जो मारी इसे गरान मारी मजांगे दिनांगन बेजे कभाराबो बिराद लेथ्रा जाबाय सो बेखौबो आङो भिनेगार इसे आरो बेकिं सोडाजोंनो इसे साफा खालामना लानोसै
सो जो कवर था वो भी बहुत गंदा होके रखा था, तो इसे भी हम थोड़ा सा विनेगर और सोडा से ही साफ़ कर लेंगे ब्रश के साथ। तो कॉलिन तो सबके घर में होता ही होगा, तो कॉलिन से भी मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है और एक कॉटन का कपड़ा लेके उससे मैंने थोड़ा रब कर दिया है, तो थोड़ा साफ लग रहा है पहले से। अनफ्राई आंग कॉलिन जंग कॉलिन तो बोने वो ठा खाइए ना, अनफ्राई कॉलिन को स्प्रे खाना नहीं, इनसे कॉटन जी लाना नहीं, इसे हुगाना हो भाई, अनफ्राई इसे साफा छीन भाई ना। दा जंग बेखो पोंडो खालम फिन से, तो अभी हम इसको फिर से बंद कर देंगे अच्छी तरह से बस। और अभी ये जो डिटर्जेंट का स्लॉट है उसको भी मैंने एक कपड़े में थोड़ा सा विनेगर भी ले लिया था, और पानी और विनेगर लेके मिक्स करके मैं इसको अच्छी तरह से मैं पोंछ रही हूँ अभी। फिर अभी जियो आँग इसे विनेगर और डी लाना नहीं, बे सिंगनी पोर्शन को इसे मजांगे सफ़ा खामना है भाई। फिर लगे फिर बेखौ जों बन्द' खालामसै लागायफिननानै, ओमफ्राय आं बेयाव इसे बेकिं सोडा लोगोसे इसे विनेगार एड खालामसै, ओमफ्राय बेखौ मेसिनखौ अन खालामना होगोन सुनो थाखाय। तो जहाँ पे सर्फ देते वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं मशीन को ऑन कर दूँगी। लेकिन उससे पहले जहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर छिड़क के रखा था उस पोर्शन को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से ब्रश कर दूँगी। लगे फिर आं जे बेकिंग सोडा और विनेगर इसे सारना दंडमन बेखौ इसे मोजाङै आरो खनसे ब्राश खालामना होनसै हुना होनसै ब्राशजों, ओमफ्राय आङो मेसिनखौ अन खालामना हागोन। ओमफ्राय दा आङो बाकि थानाय विनेगारखौ बेयाव गासैखौबो लखबजोबनोसै सिङाव। तो जो भी बचा था विनेगर मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया ड्रम के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसे मतलब जो नॉर्मल कॉटन वॉश के लिए जो हम लोग लेते हैं उसी में मैं इसको चला दूँगी 2 hours 13 minutes के लिए। मैंने देखा है नॉर्मली आजकल के मशीन में इको क्लीनिंग कुछ इको ड्रम जो सेल्फ क्लीनिंग मोड होता है, लेकिन मेरा वाला मॉडल शायद पुराना है, इसमें नहीं है वो ऑप्शन, तो मैंने इसलिए नॉर्मल कॉटन वॉश जो हम लोग करते हैं उसी मोड में मैंने इसको ऑन कर दिया है। लेकिन फिर आंग बेखो तमाम नॉर्मल कॉटन वॉश हो जेबला बिदिनो आं मेशिन को ऑन खालामना होबाय। नॉर्मली दानि गोदान मेशिन फोराव आं नुदों बेने मोनसे मोड थायो ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग नि, बट बे आंनि माने आंनि मेशिनाव गैयामोन, बे आंना हयथ' आंना पुराना मडेलमोन ओंखायनो। तो फ्रेंड्स अंदर से ये पूरा साफ़ हो गया अभी, तो हमें अभी फिर से एक कॉटन कपड़ा ड्राई कॉटन कपड़ा से सारा जो रबर एरिया है इसको हमें अच्छी तरह से पोंछ लेना है। हमें एक्चुअली इस एरिया को हमेशा ड्राई रखना है, जो कि पहले मुझे पता नहीं था। हमें थोड़ा हो सके तो दरवाज़ा हमेशा खुला ही रखना है। तो लगे फिर बे सुखांगनानि उनाव सिंनियाथ' साफा जाबाय, ओमफ्राय लोगोसे जों सामफ्रामबो जि सुखांनानि उनाव बे एरियाखौ एक्चुअलि गोदान जि लानानै सामफ्रामबो हुगाना दोननांगौ, बे एरिया जाहाथे दै थाया। तो ओमफ्राय बे बाहायनि थाखुनखौबो जों मोजाङै सुनानै साफा हुगानानै गोरानै दोननांगौ, होनबा फांगास जाया। ओमफ्राय बे दर्जाखौ एक्चुअलि मारिना दोननाङा इसेबाबो, जोङो बिदि एक्चुअलि जों मारि नाङा, जों इसेबाबो दर्जाखौ खुलिना दोननांगौ जाहाथे बारा इसे हाबनो हायो, नहले आंना गोरोन्थिया बेनो जादोंमोन आं सामफ्रामबो बन्द' खालामना दोनोमोन। तो मशीन का जो डोर है हमें हमेशा उसे खुला ही रखना है, कभी भी क्लोज़ नहीं करना है ताकि एयर पास होते रहे। और मेरी गलती यही थी कि मैंने इसको हमेशा बंद करके रखा था, तो बट फाइनली आई एम हैप्पी कि मेरा मशीन अभी साफ़ हो गया है। तो लगे फिर फाइनली आं बिराद गोजोन बाय जे आंनि मशीना साफा जाबाय। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर, लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदो। गोजोन्थों।